आज हम लोग अष्टांग योग की चर्चा कर रहे हैं, योगाभ्यास करते करते अष्टांग योग, जिसमें उसके आठ अंग है। नाम से ही पता चल रहा है कि आठ अंग वाला योग है। इसको भगवान कृष्ण भी गीता में लिखा है, और महर्षि पतंजलि जो हमारे ही राज के रहने वाले थे, और महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में विस्तृत रूप से हमें बताने का काम किया है। तो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इतनी प्रक्रियाएं हैं जीवन को आगे तक ले जाने का। तो मेरे साथ बोलेंगे आठों का नाम। बोले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान का तो नाम सुने हैं बचपन से। सोचिए ध्यान का सातवें नंबर पर स्थान है। कितना महान कठिन कार्य है ध्यान करना। लेकिन हम लोग माँ बाप से जन्म लेते ही सुनते हैं कि ध्यान से जय है, ध्यान से समान ले, ध्यान से भूंजिया भूंजिया। यानी ध्यान इतना व्यापक चीज है कि ध्यान जब लगे तो उसके बाद आठवां नंबर में समाधि ही आता है, सोच लीजिए। लेकिन हम बहुत पहले जमाने से ध्यान करते आए हैं, तभी तो ये ध्यान सब अभी समाज में बिखरा पड़ा है, सुनने में आ रहा है। ध्यान का मतलब ही है कि जो चीज पर हमारा ध्यान टिके उसके अलावे हमें दूसरा कुछ दिखाई ना पड़े। जैसे अर्जुन को शरीर नहीं देख करके मछली का, उसका केवल आंख का अंदरूनी हिस्सा ही दिखाई दे रहा था, उसी प्रकार ध्यान का मतलब वही होता है। तो आइए अष्टांग योग के बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ कुछ अभ्यास भी करेंगे। यम और नियम दो हमारे जीवन के, यम और